नमस्कार, सुमन्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। इसको हम व्रत में बनाते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होती है। और खिचड़ी बनाने के लिए मैंने ये 1 कप साबूदाना लिया है और इसको 1 घंटे के लिए पानी में भिगोया था और उसके बाद उसका सारा पानी निकाल कर 7 से 8 घंटे ढक कर रख दिया था। तो अब ये 7 से 8 घंटे भीग चुका है अच्छे से, इसके दाने आपस में चिपक भी नहीं रहे हैं और ये एकदम खिला खिला है। तो आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए हम 1 कप मूंगफली लेंगे, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 मीडियम बॉइल्ड आलू, 2 हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक। नमक मैं यहाँ सेंधा नमक ले रही हूँ क्योंकि हम व्रत की खिचड़ी बना रहे हैं, और अगर हम व्रत की खिचड़ी नहीं बना रहे तो सिंपल साल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर व्रत की खिचड़ी बना रहे हैं तो सेंधा नमक ही लें। तो सबसे पहले हम मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, अब हम इसमें ये मूंगफली डाल देंगे। इसको चलाते हुए अब हम हाई फ्लेम पे 2-3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको चलाना है, और जब मूंगफली फटना शुरू हो जाए तो इसको हम बंद कर देंगे। मूंगफली हो गई है और अब हमने गैस बंद कर दी है, और इसको कढ़ाई से प्लेट में निकाल लेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा रोस्ट हो जाएगी। अब इसको ठंडा होने देते हैं, और जब ये ठंडी हो जाएगी तो आधी मूंगफली को हम ग्राइंड करेंगे। ये हाफ मूंगफली हम ग्राइंड कर लेंगे और इसको हम साबुत ही डालेंगे खिचड़ी में। मूंगफली को हमने ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जो मूंगफली का पाउडर हमने इसमें ऐड किया है, इससे क्या होगा, जो साबूदाने में मॉइस्चर होता है वो कम हो जाएगा और ये आपस में चिपकेगा नहीं। ये पाउडर आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं, वैसे 2 बड़े चम्मच इसके लिए काफ़ी है। सेंधा नमक भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम बनाना शुरू करते हैं साबूदाने की खिचड़ी। खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है और ये मैं 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। घी गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे। जीरा चटकना शुरू हो गया है, अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे और इसको चलाएंगे। इसको 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे आलू को। और अब हम इसमें मूंगफली ऐड कर देंगे, और मूंगफली को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था पहले ही, तो इसको हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे यहाँ पर। ये हरी मिर्च, और अब ये हमारा साबूदाना भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको 2 मिनट ढककर पकाएंगे। नमक हमने पहले ही ऐड कर दिया था, इसलिए इसमें और नमक डालने की ज़रूरत नहीं है अभी। और ये मिक्स हो गया है, आंच को हम धीमा कर देते हैं और अब हम इसको धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 2 मिनट हो गए, चेक कर लेते हैं। अब हमारी खिचड़ी पक गई है, देखिए कितनी अच्छी हो गई है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, गैस को बंद कर देंगे और अब हम इसको गार्निश कर देते हैं हरे धनिए से।
साबूदाने की खिचड़ी तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी ये रेसिपी व्रत में ज़रूर बनाइए और अपने परिवार को खिलाइए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।